नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गणेश चौथ, माघ का चौथ, तिल चौथ, संकष्टी चौथ, कई ऐसे नामों से इस चौथ को हम जानते हैं और ये संतान के दीर्घायु के लिए व्रत हर माताएं हर माँ रखती है। तो आप लोग पूछे हैं कि जिनके बच्चे नहीं है क्या वो व्रत रख सकते हैं, तो जी नहीं, वो लोग व्रत नहीं रखे, बच्चे होने के बाद ही ये व्रत रखा जाता है। मन्नत कीजिए, भगवान आपका मनोकामना पूर्ण करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। तो इस व्रत के बारे में जितने नहाए खाए के नियम विधि है सब कुछ जानेंगे, कौन कौन सी चीजें हमें नहाए खाए के दिन जरूर खा लेनी चाहिए, कौन कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर कर लेने चाहिए, सब कुछ मैं आपके साथ विस्तार में शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते और जान लेते हैं सभी नियम विधि। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि देखिए, गणेश चतुर्थी के लिए पूजा विधि क्या है, कैसे गणेश जी की हमें पूजा करनी है चतुर्थी तिथि के दिन, गणेश चौथ के दिन, तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। देखिए बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, फिर आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और आज मैं नया वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, पुराना तो चैनल पे था ही, नया कर चुकी हूं। आप लोग चाहे तो चेकआउट कीजिएगा, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग को बहुत लाभ होगा। और जिनको आता है उनको तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो बहनें मेरी नहीं जानती हैं पूजा विधि, तो अच्छे से समझ लीजिएगा कौन कौन से कार्य उस दिन हमें करने हैं, प्रसाद कब उठाने हैं, कब ग्रहण करने हैं, क्या नियम विधि है, सब कुछ मैं बताई हूं। तो चलिए अब नहाए खाए के सारे नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बाल हमें नहाए खाए का मतलब क्या होता है कि बाल धो लेनी चाहिए, बाल ही शुद्ध कर लिया जाता है, तो हमारा नहाए खाए मतलब व्रत जो है हमारा उसी दिन से शुरू हो जाता है। और जब हम एक बार बाल धो लेते हैं, हेयर वॉश कर लेते हैं, तो फिर हमें लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देनी चाहिए, हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करनी चाहिए, तामसिक भोजन और नॉन वेज ये सब तो घर में कोई खाता भी है तो उन्हें भी ना खाने दे, और आपको भी लहसुन प्याज खाकर कभी व्रत नहीं रखनी चाहिए। किसी भी व्रत में जो साल में एक बार व्रत आते हैं, एक दिन पहले से ही हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करनी चाहिए। समझ में आ गया, तो अच्छे से आप लोग 10 तारीख को ये व्रत पड़ा है, 10 जनवरी को, दिन क्या है मंगलवार, तो सोमवार को जितनी माताएं हैं बहनें हैं मेरी वो लोग आप लोग बाल धो लीजिएगा, सोमवार को बाल धोते हैं। लेकिन आप लोग के कमेंट्स आए हैं कई ऐसे मेरी बहनों के कि दीदी हमारा ज्येष्ठ पुत्र है, हमारा एक ही पुत्र है, तो हम सोमवार को बाल नहीं धोते हैं तो हम कैसे धोएंगे। तो देखिए आप क्या कीजिएगा कि आप रविवार को आज ही बाल धो लीजिए, गर्म पानी करके बाल धो लीजिए, और सोमवार को ना केवल सिर के ऊपर से आप लोग नहा लीजिएगा, फिर आपका नियम विधि जैसे हो जाएगा। और क्या करनी है कि तब आपको आज से ही लहसुन प्याज बंद कर देनी है, भोजन में नहीं डालनी है। अगर आप सोमवार को बाल नहीं धोना चाहती हैं तो संडे को ही धो लीजिए, शाम तक ही धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गर्म पानी से आप धो सकती हैं, और फिर मोटा गर्म कपड़ा पहन लीजिए क्योंकि ठंडी लगने का भी चांस बहुत अधिक रहता है। जो सोमवार को नहीं धोएंगे उनके लिए बता रही हूँ, और उसके बाद से आपको लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देनी है, अपनी खुद मत कहिए, घर वाले अगर खा रहे हैं तो खाने दीजिए, लेकिन आपको नहीं खानी है। तो ये भी क्लियर हो गया, तो बाल धोने का आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन सोमवार को बाल धोते हैं, व्रत में बहुत अधिक नहीं लिया जाता है व्रत, जब इस प्रकार से कभी रविवार जैसे गुरुवार को पड़ जाता है, शनिवार को पड़ जाता है, तो उतना सब विधि लेके हम चलेंगे तो व्रत ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए व्रत में इतना सब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और नहाए खाए के दिन हमें जो लहसुन प्याज तो खानी ही नहीं है, मूली वगैरह का सेवन ना करें, कंद मूल का सेवन ना करें, क्योंकि हमें गणेश जी को पहले चढ़ानी है, और मूली खाकर, बैगन खाकर, मसूर की दाल खाकर हमें कभी व्रत नहीं रखनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसी भी व्रत में ये सब चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। और उसके बाद से हम नहाए खाए के दिन पूजा पाठ, जैसे हम सुबह सुबह उठ के बाल वगैरह धो के भगवान का जो अपने मंदिर में पूजा पाठ करते हैं वो सब हमें करेंगे, और करने के बाद गणेश जी के लिए जो ही आपको मंगानी है बाजार से मार्केट से वो सब चीजें आप लोग पहले ही इकट्ठा कर लीजिए,
और देखिए मैं बहुत पहले बता चुकी थी कि माघ में तिल नहीं खरीदते हैं, तो आप लोग वीडियो मिस कर दिए हैं। देखिए हर चीज के लिए मैं वीडियो अपलोड करते रहती हूँ, मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं जाता है फिर भी आपको चैनल पर एक बार चेकआउट जरूर करनी चाहिए मैं क्या वीडियो डाली हूँ। आप लोग नहीं देख पाती है फिर आप लोग कई ऐसी मेरी बहने बोले दीदी हम खरमास में झाड़ू खरीद लिए हैं, हम झाड़ू यूज भी करने लगे, तो ये तो गलत है ना, खरमास में कभी झाड़ू नहीं खरीदते हैं। अब तो उन्होंने शुरू कर दिया तो बात अलग है, लेकिन जानकर अगर आप गलतियां करती हैं तो भगवान कभी माफ नहीं करते। तो इसलिए आप इतने दिन पहले से मैं वीडियो डालते रहती हूँ कि आप लोग से कोई जाने अनजाने में भी गलतियां ना हो। और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और किसी के काम में अगर आए तो शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, मैं भूल जाती हूँ बताना, ठीक है? तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि उसके बाद से हमें पूजा पाठ करके हमें भोजन ग्रहण करनी है, और रात को या सुबह जब आप चाहें साग भोजन में, एक चीज हमें क्या खाकर व्रत रखनी है, साग, वो किसी भी प्रकार का साग हो। कई ऐसी मेरी बहनों का कमेंट है दीदी हम लोग को साग नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, धनिया पत्ता को ही साग के रूप में थोड़ा सा तड़का लगा के नियम कर लीजिएगा, धनिया पत्ता का ही दो चार डंठल लेके और आपको पौधा लेके बना लेनी है, साग का नियम कर लेनी है, क्योंकि साग खाना जितना जरूरी है उतना भगवान के लिए ढकना जरूरी है। तो आप लोग साग खा भी लीजिएगा और साग जो है ढक भी दीजिएगा, जैसे एक प्लेट में ना एक मोटी सी रोटी लिट्टी मिलता है बाजरे या मक्के का, तो वो ले लीजिए, नहीं मिलता है तो मोटी सी रोटी बना लीजिए उसमें से आप भी खा लीजिए, और एक भगवान के लिए मोटी सी रोटी आप लोग ढक दीजिएगा और साग, और ढक के और फिर सुबह आप जो है वो प्रसाद के रूप में बच्चों को भी दे सकते हैं, चिड़िया को भी दे सकते हैं, या आप गाय को भी खिला सकते हैं। समझ में आ गया? तो सारी बातें समझ में आ गई, नहाए खाए के नियम विधि, और एक गिलास पानी पक्का ढक दीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि उस दिन गणेश जी हमारे रसोई घर में आते हैं कि हम क्या खाकर व्रत रखे हैं और क्या उनके लिए ढके हैं, तो इसलिए आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और गणेश जी का जिस दिन मतलब हम पूजा अर्चना करेंगे शाम को करते हैं, जिस दिन हम व्रत रखते हैं निर्जला ये व्रत रखा जाता है, और शाम को फल फलाहार किया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है, और उसके बाद से हम जो है चंद्रदेव को अर्घ देकर फिर फलाहार करते हैं। तो इसलिए आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, और पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा, अच्छे से सज संवर जाइएगा, बहुत अधिक मतलब ऐसा नहीं कि तीज और करवा चौथ के जैसा उतना सब हमें करनी है, लेकिन फिर भी पैरों में महावर, मांग में पीला या लाल सिंदूर जो ही आप लगाती हैं लगा लीजिएगा, एक धोया हुआ वस्त्र पहन लीजिएगा, और इन सभी चीजों को करने के बाद शाम को अगर आप मान लीजिए नहीं नहा पाती हैं, व्रत के दिन का बता रही हूँ, अगर स्नान नहीं कर पाती हैं, सुबह आप कर चुकी हैं, तो शाम को केवल हाथ पैर धोकर आप लोग वस्त्र मतलब बदल दीजिएगा, और दातुन भी शाम को ही किया जाता है, जो सुबह कर चुके हैं दातुन कीजिएगा, ब्रश मत कीजिएगा, और जो सुबह कर चुके हैं वो शाम को नहीं करेंगे, केवल कुल्ला वगैरह करेंगे, और जो डायरेक्ट शाम को नहाएंगे मतलब स्नान करेंगे वो दातुन करेंगे, ब्रश बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं है तो नया ब्रश यूज कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, और आपको जो है उसके बाद आप गर्म पानी से नहा लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो तबीयत खराब हो सकता है, और जो कर चुके हैं वो तो केवल वस्त्र बदल लेंगे, हो जाएगा। सारी बातें क्लियर हो गई, और उसके बाद हम जो है पूजा करके मैं दिखा चुकी हूँ नीचे हमें स्थापित करके गणेश जी को, और अच्छे से बैठ के अगर आप कलश स्थापना करती हैं तो भी, नहीं करती हैं तो भी, आप लोग देख लीजिएगा आपके घर कैसे होता है, और हम भगवान का अच्छे से पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद अर्घ देंगे। तो सारी बातें मैं क्लियर कर दी, अब आशा करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी नहाए खाए के सारे नियम विधि। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए।